नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट, मैं हूं रंजना। 15 नवंबर को झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। हालांकि बता दें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाली थीं, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा स्थगित हो गया है। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू गांव जरूर जाएंगे। इसी कड़ी में कई लोग ऐसे भी हैं जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला दौरा होता है। राज्य भर में खुशियों का माहौल था, सड़कें भी बनकर तैयार हो गई थी, सज धज कर पूरा राजधानी रांची तैयार हो चुका था, लोगों में भी उत्साह हो चुका था। लेकिन अचानक दौरा रद्द होने से कई लोगों की भावनाएँ आहत जरूर हुई हैं, कई लोग वहाँ पर नाखुश भी दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन लेंगे। मैम, राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला दौरा था झारखंड का, जो कि किसी कारणवश रद्द हो गया, इस पर आप क्या कुछ रिएक्शन? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों में काफ़ी उत्साह था, हम भी काफ़ी उत्साह थे कि एज अ प्रेसिडेंट वो पहली बार, बीइंग फ्रॉम झारखंड, वो पहली बार आएंगी। और काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी प्राउड भी होता है कि पहली ट्राइबल लेडी है जो कि इतने ऊँचे मकाम पर पहुँची है। सो थोड़ा बुरा है, लगता है कि किसी कारणवश ये वो नहीं आ पाएंगी, बट आगे जब भी आएंगी उनका हम झारखंड में, वो पूर्व राज्यपाल जी यस रह चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है यहाँ के अपने कामों से। यस बिल्कुल, तो ज़्यादा समझती है और लोग भी काफ़ी उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। बीइंग अ टीचर, आप स्कूल में बच्चों को जरूर, आज चिल्ड्रंस डे था, लोगों को मतलब अवेयर भी कर रही हूँ कि राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, लोग झारखंड ट्राइबल स्टेट है, लोगों का उत्सुकता उनके प्रति अधिक है। बच्चे तो ऐसे काफ़ी खुश थे, पर अभी मे भी उनको नहीं पता होगा कि उनका आना यहाँ कैंसिल हो चुका है। सो अगर आती तो एक अलग मैसेज जी, बिल्कुल बिल्कुल जाता, थोड़े बच्चे भी और प्रोत्साहित होते, उन्हें मोटिवेशन मिलता थोड़े, और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हम सब। देवघर से लेकर रांची के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, वो कैंसिल। जी, अगर वो आती है इस वक्त में तो शायद यहाँ के लोगों को बहुत खुशी होती है। जैसे दौरा जब भी होता है तो बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि वो भी यहाँ आए और यहाँ के लोगों से रूबरू हो, तो ये हम लोग बहुत चाहेंगे कि अगर ये दौरा कैंसिल हो तो वापस से जल्द बने और वापस से वो यहाँ पे आए। फिर कोई किसी और कार्यक्रम में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि उनकी बातों को सुनना, जो कि वो बोलती है बहुत अच्छा बोलती हैं, और जब भी क्योंकि एक आदिवासी महिला है तो उनको प्रोत्साहन और जो हम लोग को भी बहुत अच्छा मिलता है, जो बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं, लोग भी उनसे बहुत कुछ जानकारी लेते हैं, तो वो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और उनकी बातें सही में बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रेरित करती हैं। तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि वो यहाँ आए, किसी भी मौके पर आए, लेकिन ज़रूर आए। मोराबादी भी सज धज के तैयार हो गया था, पूरी सड़कें भी दुल्हन की तरह उनके लिए, आगमन में झारखंड पूरा खुश था, लेकिन नहीं आने से कितना गम होगा, कितना निराशा हाथ लगा? जी बिल्कुल लगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा होता है तो हम लोग भी उम्मीद रखते हैं कि वो आए और उनकी बातें सुने, उनकी जो मतलब जो भी यूथ को भी वो बहुत प्रेरणा देती हैं, प्रेरणा लेती हैं, तो बिल्कुल ये सारा थोड़ा सा व्यस्तत उनका भी है, बहुत सारी कामें हैं उनको भी मिल रही हैं, तो वो चीज़ ज़रूर होगा ऐसा, लेकिन हम लोग फिर से चाहेंगे कि वो ज़रूर हम लोग के सामने आए। बिल्कुल, 6 वर्ष वो राज्यपाल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल ही हम लोग यहाँ पे उनके लिए सुनने के लिए यहाँ पे हैं, और बिल्कुल हम लोग जब भी आएंगे हम लोग सभी कोई जुट करके वहाँ पे जरूर शामिल होंगे उनके पास में। ऑफ कोर्स जरूर जाती मैं, पहली आदिवासी मेरे झारखंड की है, तो जरूर हम जाते मिलने। बहुत दुख हुआ उनका जो कैंसिल हुआ है। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो आए यहाँ पे, फिर अगली बार किसी प्रोग्राम में वो आए। अंतिम स्तर पे हो जाता है तो इस तरह का कैंसिलेशन, वो भी राष्ट्रपति का, क्या कुछ आपका? भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट क्या ही कर सकते हैं कोई। थैंक यू। क्या कुछ कहें, प्रथम नागरिक होते हैं वो, पहली ऊपर से झारखंड की पहली फीमेल थी, ये हम लोग के लिए भी बहुत गौरव की बात है, हमारे स्टेट झारखंड के लिए भी बहुत गौरव की बात है, और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से एक महिला गई, हाँ एक ट्राइबल महिला गई और जाके राष्ट्रपति पद के लिए होना, और अचानक से कैंसिल हो जाना, मतलब दुख का लहर बना हुआ है यहाँ पे रांची में, तो इसके लिए जो दिवस में वो शामिल, हाँ शामिल नहीं हो पाई स्थापना दिवस में, और यहाँ पे दुख का एक माहौल है, यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ के लोग काफ़ी दुखी है, और हम फीमेल्स के लिए भी काफ़ी दुख की बात है ये, क्योंकि हम लोग भी झारखंड के ही, रांची के ही है, तो ये हम लोग के लिए काफ़ी गौरव की बात था। बिल्कुल जाते, बिल्कुल जाते हैं ये बहुत, इसीलिए हो सकता है कैंसिल किया हो। अब जो भी है, लेकिन होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए न,
हमको लग रहा है ड्यू टू दिस इन्वेस्टिगेशन ईडी इन्वेस्टिगेशन कुछ किए हैं लोग, दैट मे बी पॉलिटिकल है, लेकिन होना नहीं चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर झारखंड। एकदम एकदम वी आर वेटिंग फॉर देम। आप चाह रहे थे वो आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जाएंगे क्या? क्या करने जाएंगे अब खूब? हाँ नहीं, अब तो खूंटी कौन जाएगा? ठीक है, थैंक यू। के डी सिंह मैम, आप भी कुछ नहीं कि देखने जाने का था लाल सा राष्ट्रपति? नहीं, इच्छा तो थी जाने की, लेकिन अब तो नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे अब। हाँ एकदम एसोसिएटेड थी यहाँ की आदिवासी महिला, हाँ बहुत तेज थी, बहुत तेज हैं वो। आना नेक्स्ट प्रोग्राम में आए बिल्कुल एकदम आना चाहिए उनको, तो उनका तो फर्स्ट विजिट होना चाहिए यहाँ, नॉट ओडिशा। हाँ नहीं नहीं, इसके पहले उड़ीसा गई थी। हाँ देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्य के 22वां स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश यह दौरा उनका रद्द हो चुका है। वो सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा भगवान के गांव उलिहातू जाएंगी और वहां से वो सीधे मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन राजधानी रांची में जो कई महिला पुरुष और कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनके नहीं आने से कई लोगों की जनभावनाएँ जरूर आहत हुई हैं, क्योंकि सभी लोगों ने पहले से प्लान किया था कि बतौर मुख्य अतिथि जब स्थापना दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी तो लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए बताया कि अगर वह आती तो उस कार्यक्रम में जरूर जाते, लेकिन अब वह नहीं आ रही हैं, उन्हें सुनने का मौका नहीं मिल रहा है यहाँ, तो खूंटी कौन जाएगा। लेकिन बता दें कि राजधानी रांची के सभी सड़कों पर पूरी तैयारियां कर ली गई थी, आप देख सकते हैं तमाम चप्पा चप्पा पर यहां पर 50 से अधिक डीएसपी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी भी नियुक्त कर दी गई थी। अब ये सभी तैयारियां द्रौपदी मुर्मू के आने के इंतजार में कर दी गई थी, लेकिन अंतिम वक्त में जैसे ही यह मैसेज जैसे ही आता है उसके बाद से जो जनभावना से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड में 6 वर्षों के लिए राज्यपाल रह चुकी हैं और खासतौर पर आदिवासी और राज्य भी आदिवासी बहुल है, इसलिए लोगों का कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद जरूर लगा हुआ था और नहीं आने से जनभावनाएं आहत जरूर हुई हैं। तो लोगों ने अपील किया है कि राष्ट्रपति अगली बार जरूर झारखंड आए और लोगों को संबोधित करें, क्योंकि उनका जो संबोधन होता है वो काफ़ी प्रेरणादायक होता है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।